मैं सुनील लखोटिया आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई रिएक्शन मैकेनिज्म एलिमिनेशंस इंट्रामोलिकुलर यानी ईआई रिएक्शन, जिसे आप इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप इस रिएक्शन के अंदर, चलो देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच एलिमिनेशन टेक प्लेस इन वन कंपाउंड इज नॉन एज ई आई रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन बेस एंड एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सेम कंपाउंड। आसान भाषा में एक ही कंपाउंड में आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। एलिमिनेशन होने के लिए जो लिबरेटेड हाइड्रोजन है वो उसी कंपाउंड में होगा उसी कंपाउंड में आपको बेस दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की मैकेनिज्म को आप बोलेंगे एक ई आई मैकेनिज्म। ई का मतलब एलिमिनेशन, आई का मतलब इंट्रामोलिकुलर। चलिए ठीक है, इससे पहले जो आप एलिमिनेशन देखते थे उसमें क्या होता था, उसके अंदर साफ था एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको बाहर से बेस की जरूरत होती थी, वो एलिमिनेट करता था, हाइड्रोजन को निकालता था। यहां पर आपके पास बेस भी उसी कंपाउंड में है, तो फिर इसका मतलब हमारा गिवन कंपाउंड अनस्टेबल होना चाहिए। फिर कैसे स्टेबल है? वो इसलिए स्टेबल है क्योंकि हमने उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं रखा है, तो रूम टेम्परेचर पे वो बेस इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो निकाल ले, लेकिन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर करेंगे तो वो आसानी से उस हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को निकालेगा जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, और फिर आपके पास एलिमिनेशन देखने को मिलेगी। तो ये तो रहा एक बेसिक फंडा ईआई के लिए आपके। तो आपने क्या क्या सीखा? एलिमिनेशन हो रहा है, निकलने वाला हाइड्रोजन और बेस दोनों एक ही कंपाउंड में है, इसीलिए हम इसको इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन बोल रहे हैं। हमें अलग से बेस की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी हाई टेम्परेचर के साथ ये ब्रेक होगा। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, पायरोलिसिस हो रहे हैं इसके अंदर, यानी आपको इस रिएक्शन में वो सारी चीज़ें दिखेंगी जैसे पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ जिंथेट्स, पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन, कोप रिएक्शन, ये सब पायरोलिसिस के, यानी आपको हाई टेम्परेचर चाहिए रहेगा। पायरो का मतलब हाई टेम्परेचर और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। तो आपको इस तरह के कंपाउंड्स में ब्रेक करने के लिए आपको बहुत हाई हीटिंग करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तो क्या है ये पायरोलिसिस ऑफ एस्टर? जनरल रिएक्शन आप देख रहे हैं कि आपके पास एक एस्टर है, आर ओ सी डबल ओ आर, अपने आप में एस्टर है, आर सी डबल ओ आर। इसको आपने गर्म किया तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एल्कीन मिलेगा, और दूसरा क्या मिल रहा है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो रहा बेसिक जनरल रिएक्शंस। ऑन हीटिंग एस्टर इट कन्वर्ट इनटू रिलेटेड एल्कीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ट्रांसफर ऑफ बीटा हाइड्रोजन। बीटा के नीचे अंडरलाइन रखेंगे, ध्यान रखिएगा बीटा हाइड्रोजन। ये क्यों बीटा हाइड्रोजन है ये मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो चलो पहले मैकेनिज्म समझते हैं। मेरे पास ये एस्टर है, आप देख ही रहे, आर सी डबल ओ और एक आर, ये एक एस्टर का काम कर रहा है। आपने इसको गर्म किया तो जैसे ही आप गर्म करेंगे आपको यहां पर एक एल्कीन बनती हुई दिखाई देगी। तो पहले आप ये समझिए कि इसमें अल्फा कार्बन कौन सा होता है। जो ऑक्सीजन से रिलेटेड डायरेक्ट अटैच कार्बन है वो अल्फा होगा, और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन आपके लिए क्या होगा? बीटा कार्बन होगा। यानी यहां बीटा कार्बन दो है, एक ये है एक ये है। तो जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो आपके पास, तो एक से ज्यादा बीटा कार्बन होते हैं तो एक से ज्यादा अलग तरह की एल्कीन बनने के भी चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। फिर बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, एक से ज्यादा बीटा कार्बन होंगे तो एक से ज्यादा तरह की एल्कीन बनेगी, ये दिमाग में बैठा के चलना। नेक्स्ट, यानी हमारे पास क्या हो रहा है कि इस तरह से ये मैकेनिज्म होती है कि ये जो एस्टर का ये ऑक्सीजन है ये बेस का काम करेगा, इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। तो यहां ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरफ, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरफ, पाई वाला बॉन्ड जो कि वीक होता है, तो पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से इसकी एसिडिक करेक्टर ज्यादा होती है, तो ये यहां शिफ्ट हुआ। साइमल्टेनियसली ये वाला सिग्मा बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, इज दैट क्लियर? तो ये तो बनेगा, आप खुद ही देख लीजिए, ये सिंगल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH ग्रुप में चेंज हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड यहां यानी एल्कीन आपको मिल रहा है, और इसके साथ आपको क्या मिल रहा है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको मिल रहा है, इज दैट क्लियर? तो यहां एक एल्कीन आपको दिखाई दे रही है वो ये है। दूसरा आपके सामने दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये भी तो बीटा है, अल्फा कार्बन ये तो ये बीटा होगा, ये भी बीटा, ये भी बीटा, मानता हूं मैं।
तो मैं ये बीटा हाइड्रोजन अगर यहां वाला निकालता हूं तो कैसे निकाल रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। ये पाई बॉन्ड होने की वजह से ये वाला पाई बॉन्ड क्या है, वीक है। ये इस तरह से अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड साइमल्टेनियसली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, ये इस तरह से शिफ्ट होगा, तो आपको एक एल्कीन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एल्कीन रहेगी और यहां पर एसिड। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक और पॉइंट कि यहां पर सर कौन सी एल्कीन मिलेगी, सिस और या ट्रांस। देखिए, क्योंकि यहां पर दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन जाता है तो एक बार सिस और एक बार ट्रांस आपको देखने को मिल सकती है इस जगह, कोई ऐसा रूल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, ये जितना भी एलिमिनेशन होगा ये सिन एलिमिनेशन होगा, यानी जिस तरफ ऑक्सीजन है उसी तरफ का हाइड्रोजन जाएगा, इज दैट क्लियर। तो ये वाला हाइड्रोजन जाता है तो आपको सिस एल्कीन या और इस तरह का हाइड्रोजन दूसरी तरफ का घूम के जाता है तो आपको ट्रांस एल्कीन भी मिलेगी। तो सिस और ट्रांस दोनों एल्कीन मिलेगी। और आपके पास यहां पर एक और पॉइंट है कि मेजर और माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। आपको मालूम है एसिड, ये हाइड्रोजन कौन सा है, 1 डिग्री एल्काइल वाला है, और ये कौन सा है, 2 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि उस पे एनायन पे माइनस सॉरी प्लस आई इफेक्ट कहीं नहीं देखने को मिलता है। इस पे प्लस आई इफेक्ट है, याद है इसका प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, तो ये हाइड्रोजन इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है जितना ये, यानी ऊपर वाला केस में ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है तो बनने वाली एल्कीन भी ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी, स्टेबल नहीं ज्यादा क्वांटिटी में बनेगी, स्टेबल तो ये कम है। और जो एल्कीन कम स्टेबल होती है, कम क्यों है, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कम है, यहाँ दो हैं और यहाँ पर देखो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 और 3 6, तो ये एल्कीन अनस्टेबल है लेकिन बनेगी यही, क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन ज्यादा आसानी से होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जब कम स्टेबल एल्कीन ज्यादा क्वांटिटी में बनती है तो उसको बोलते हैं हाफमान एल्कीन, और वही यहाँ पर मेजर है। और नीचे हमारे पास ज्यादा स्टेबल एल्कीन है लेकिन वो कम बन रही है, क्यों, क्योंकि एल्कीन बनने की प्रोसेस में हमें इंटरमीडिएट से देखना होता है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को नहीं देखना, इंटरमीडिएट किस में ज्यादा स्टेबल है, और कार्बोनियन यहां ज्यादा स्टेबल है इस जगह, तो इंटरमीडिएट इसका ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, इसलिए हमारे पास कम स्टेबल यानी कि हाफमान एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगेन आई रिपीट, इस पूरे प्रोसेस में हाफमान एल्कीन ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में बन रही है। जनरली दूसरे जो एलिमिनेशन आपने मेरे से पहले समझे हैं उसमें कौन सी बनती होती है, सेटजेफ, ये सेटजेफ एल्कीन है, वो मेजर होती थी लेकिन यहाँ नहीं है, ये अलग मैकेनिज्म है, अलग मैकेनिज्म है तो अलग रूल भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ और भी हमारे पास एग्जाम्पल है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर के, तो हम कुछ एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से देखिए, ये एक एस्टर है दिखाई दे रहा है, तो पहले तो मार्क करिए आप कि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कौन सा होगा, अल्फा कार्बन ये, बीटा कार्बन ये, तो ये जो हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो होगा वो बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो बनने वाली एल्कीन सिर्फ एक जैसी होगी। तो मैंने ये वाला बीटा हाइड्रोजन जो है, कोई सा भी एक हाइड्रोजन आपका निकाल दिया, कोई सा भी एक निकाल दिया, ऊपर वाला मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है तो मैं समझाना आसान है, तो मैंने ये निकाला, ये शिफ्ट इस तरफ करा और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, आप भी मेरे साथ ही लिखेंगे, ये इस तरफ तो आपके पास एल्कीन कैसी बनेगी, ये बन चुकी है, क्योंकि नीचे से भी सेम आइडेंटिकल एल्कीन बनेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, सेम तरह का आपको एल्कीन मिल रहा है तो यहां दो तरह की एल्कीन मिलेगी ही नहीं आपको, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। अब और भी हम देखते हैं जहां हमारे को हो सकता है एल्कीन एक से ज्यादा तरह की देखने को मिले, जैसे ये एग्जांपल अगर यहां देखते हैं तो ये भी एक तरह का एस्टर है जिसको अपन हीटिंग कर रहे हैं, पायरोलिसिस प्रोसेस कर रहे हैं, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। तो पहले तो बीटा और अल्फा कार्बन आप मार्क करो, ये अल्फा कार्बन जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है वो अल्फा कार्बन, तो ये आपके पास अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये बीटा है, इज दैट क्लियर। तो जब बीटा हाइड्रोजन ये वाला निकलेगा, ये वाला निकाल दो, तो ये जब आपके पास निकलेगा या इस तरह का हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा आपके, तो यहां जो एल्कीन बनेगी वो ये बनेगी। और अगर ये वाला हाइड्रोजन निकाल रहे हो आप तो आपके पास जो एल्कीन बनेगी वो इस तरह की देखने को मिलेगी। तो अब आप मेरे को बताइए कौन सी एल्कीन इस जगह आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, सोच के देखिए, जल्दी से बताइए। यहां प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है,
प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है इस जगह, तो ये इस जगह से जो कार्बोनायन बनेगा वो अनस्टेबल होगा, तो यानी ये माइनर होगी, मैंने माइनर बना ली। यहां प्लस आई इफेक्ट कम है, यहां माइनस, यानी कि 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर उसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल है, तो यहां से जो शिफ्टिंग होगी ये वाली, तो ये एल्किन ज्यादा देखने को मिलेगी, तो ये मेजर होगा और वो माइनर। तो आपको यही देखना है, 1 डिग्री अगर है आपके पास कार्बोनायन तो ज्यादा उसी को बनाओ, फिर 2 डिग्री को, फिर 3 डिग्री को। तो चलिए, यहाँ 3 डिग्री और 2 डिग्री की लड़ाई थी तो 2 डिग्री जीत गया, 1 डिग्री और 2 डिग्री की लड़ाई होती है तो 2 डिग्री 1 डिग्री जीत जाता है। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखते हैं, ये एक और कंपाउंड लिया है मैंने, यहां पर आपके पास ये भी एक एस्टर है, देखिएगा ये भी एक एस्टर है, और यहां जब एस्टर है तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, और एक और ये बीटा है, ठीक है? तो यहां 2 बीटा है, मैंने पहले ये वाला बीटा देखा, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करा, एल्कीन ये बन गई। नेक्स्ट टाइम पे मैंने ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट किया, एल्कीन मुझे यहां मिलेगी, बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो यहां जो कार्बोनायन बनेगा वो रेजोनेंस में होने की वजह से ज्यादा स्टेबल है, ये कार्बोनायन 2 डिग्री तो दोनों है, तो रेजोनेंस की वजह से ये कार्बोनायन ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला जो एल्कीन क्रिएट करेगा, ये कंपाउंड जो एल्कीन क्रिएट करेगा इस एलिमिनेशन से, वो मेजर रहेगा। तो आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ये मेजर रहेगा। आ गया समझ में? तो कोई बहुत ज्यादा टफ मैकेनिज्म नहीं है, आपको बीटा हाइड्रोजन निकालना है, एल्कीन बनाना है। अगर बीटा हाइड्रोजन निकालते वक्त अगर कार्बन 1 डिग्री है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर सेकेंड को देंगे, फिर थर्ड को, लेकिन अगर बीटा हाइड्रोजन निकालते वक्त कॉन्जुगेट में एल्कीन है तो उसकी प्रायोरिटी रेजोनेंस की होने की वजह से सबसे ज्यादा होगी, और बहुत आसानी से आप एलिमिनेशन करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप पायरोलिसिस कर रहे हैं, पायरोलिसिस में हीटिंग करनी पड़ेगी, और कुछ खास पॉइंट जो मैं पहले बता चुका हूँ वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो लिखें इसको, देखो आपने मुझसे ईआई मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, उसके अंदर कुछ रिएक्शंस के बारे में आपने जाना, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ जिंथेट्स, पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन, कॉप रिएक्शंस, इसका एक एक करके हम बात कर रहे हैं। एस्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, पायरोलिसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है, बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म करनी है, वही ईआई मैकेनिज्म के नाम से जाना जाएगा। किस तरह से होता है देखिए, ये आपके पास है नाइट्रो एल्केन, समझ में आ रहा है? पायरोलिसिस का मतलब हीटिंग किया और आपको रिलेटेड एल्कीन मिल रहा है, और HNO2 यानी नाइट्रस एसिड आपको देखने को मिलेगा। तो आसान भाषा में आप क्या बोलेंगे, ऑन हीटिंग नाइट्रो एल्केन वी गेट एल्कीन एंड नाइट्रस एसिड इज कॉल्ड पायरोलिसिस ऑफ एल्केन। मैकेनिज्म ई आई है हम जानते हैं, लेकिन चलिए एक बार और देखते हैं किस तरह की मैकेनिज्म देखने को मिल रहा है। ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, वो कार्बन अल्फा होगा जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट अटैच्ड है, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड कार्बन हमारे लिए क्या होगा, बीटा, और बीटा कार्बन से अटैच्ड आपके पास हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बीटा हाइड्रोजन। तो होगा बिल्कुल सिन एलिमिनेशन होगा, ये बीटा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट कर रहा है, ये करने वाला है, तो ये उस हाइड्रोजन को ले लेता है। तो कुल मिला के यहाँ एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा इस पे गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन पे OH आ गया और ये डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट चुका है क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हुआ है, तो CH2 CH2 आपको देखने को मिलेगा, यानी एल्कीन देखने को मिलेगी। सिन एलिमिनेशन है, सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन है उसी डायरेक्शन का हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट होगा। अबव एग्जांपल इज सिन एलिमिनेशन, जनरली हॉपमान एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, देखेंगे अपने पहले भी पढ़ा है, हॉपमान एल्कीन ज्यादा अच्छा बनता है इसमें। ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एलिमिनेट एसिडिक हाइड्रोजन, ये नाइट्रो ग्रुप का जो ऑक्सीजन है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, वही एसिडिक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने में ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रस एसिड एंड एल्कीन। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, ये मेरे पास बीटा हाइड्रोजन है, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे गया, ये वाला बॉन्ड
ये वाला पूरा बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, नाइट्रस एसिड आपको देखने को मिला है और एल्कीन बन रहा है, क्योंकि दोनों ही बीटा हाइड्रोजन सिमेट्रिकल है तो एक ही तरह के एल्कीन देखने को मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है अनसिमेट्री हो? हाँ, चलो देखते हैं। यहां हमारे पास जो एल्कीन है, ये वाला बीटा हाइड्रोजन अलग है इससे, क्यों? क्योंकि यहां से एल्कीन जस्ट कॉन्जुगेट में रहेगी, यहां दूर है, समझ में आ रहा है? बीच में एक और कार्बन आ रहा है। तो दो तरह के बीटा हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन की पहचान कैसे होगी? नाइट्रोजन से अटैच कार्बन अल्फा है और उसके बाद बीटा बीटा। तो जब ये वाला हटेगा तो अलग एल्कीन मिलेगी, यानी वो एल्कीन आपके पास यहां होगी, तो ये वाली एल्कीन देखने को मिलेगी, और ये वाला जाएगा तो आपको ये वाली एल्कीन मिलेगी, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। यहां एनायन जो बनेगा हटते वक्त, एनायन इंटरमीडिएट रहेगा, वो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो मेजर एल्कीन भी यही होगी और बनने वाली एल्कीन बहुत ज्यादा स्टेबल भी है। तो कुल मिला के मेजर का पता आप ऐसे लगा सकते हो, उस बीटा हाइड्रोजन को निकालो जहां पर कार्बो एनायन ज्यादा स्टेबल है, बस अपने आप बनने वाली एल्कीन आपकी मेजर बन जाएगी। तो आप ऐसे हजारों क्वेश्चंस कर सकते हो, आप इसको लिखिए जल्दी से। हाँ तो मित्रों, हम इंट्रा मॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन यानी ईआई रिएक्शंस हम देख रहे थे, उसमें दो एग्जांपल और हम देखना चाह रहे हैं। एक है पायरोलिसिस ऑफ जिंथेट्स और दूसरा है कॉप्स रिएक्शंस। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे लिए जिंथेट्स कहलाते हैं, इस ग्रुप की वजह से हम इसको जिंथेट्स बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है? क्या है इस ग्रुप में खासियत? सी के साथ डबल बॉन्ड एस और एस सिंगल बॉन्ड, और एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक तरफ यहां आर जुड़ा हुआ है, एक तरफ इस तरफ आर जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा हमारे लिए जिंथेट है। पहले तो जिंथेट समझ लीजिएगा, द कंपाउंड विच हैव दिस ग्रुप फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट, द कंपाउंड विच हैविंग दिस फंक्शन ग्रुप इज कॉल्ड एज जिंथेट्स। इज दैट क्लियर? यानी ऐसा कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप देखने को मिलेगा आप जिंथेट्स बोल सकते हो। यहां एल्काइल ग्रुप होगा, यहां पर भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, और ऐसे कंपाउंड्स को अगर आप पायरोलिसिस यानी हीटिंग कर रहे हैं तो वो रिलेटेड एल्कीन और इस तरह के कंपाउंड में हमारे पास डिसोशिएट हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बन रहा है, उसको समझते हैं। तो वो हमारे को समझ में आएगा मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म देखिए, इस कंपाउंड को मैंने दोबारा देखा, ध्यान से देख रहे हैं। तो एक इसी कंपाउंड का एक पार्ट बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है और एक पार्ट एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर पे। तो ये जो सल्फर है जो डबल बॉन्डेड है, इसका ये वाला पाई बॉन्ड टूट के इस हाइड्रोजन को ले रहा है, यानी ये अपने आप में क्या है, लोन पेयर दे रहा है इस बॉन्ड को, और ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है। तो ये एसिड की तरह ट्रीट करेगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, बेस की तरह, यानी ये इंट्रा मॉलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन देखने को मिल रही है आपको। ये हाइड्रोजन जैसे ही वहां जाएगा, यहां SH हो जाएगा और साइमल्टेनियसली ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक नया बॉन्ड बनेगा, और ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा ऑक्सीजन वाला। एक बार और बोल रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट, ये वाला जो बॉन्ड है वो इस हाइड्रोजन के साथ शिफ्ट कर देगा और ये वाला बॉन्ड इस तरह से टूट के यहाँ आ जाएगा। तो जब आपके पास यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटकर यहाँ जा रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ जा रहा है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और एक नया बॉन्ड दिखेगा आपको जो इस हाइड्रोजन के साथ है। ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ रहा है तो यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा जो कि ये है, और यहाँ CH3। तो एक तरह से आपको एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट रहा है, इसी तरह को हम बोलते हैं पायरोलिसिस, यानी हमारा मॉलिक्यूल ब्रेक होना, डिसोशिएट होना हाई टेम्परेचर पे। पायरो का मतलब हाई टेम्परेचर और लिसिस का मतलब डिसोसिएशन, तो इसीलिए ये पायरोलिसिस ऑफ जिंथेट्स कहला रहा है। अगला पॉइंट आ रहा है कि हमने एल्कीन ये बनाई, ठीक है, हम यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते थे, हम वो सारे हाइड्रोजन निकाल सकते थे जो बीटा कार्बन से अटैच्ड है, जैसे ये और ये। तो हमने इसको क्यों सेलेक्ट किया, हम उस बीटा कार्बन को सेलेक्ट करते जिस पर
हाइड्रोजन आसानी से निकल सके, जिससे कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, यानी जिस कार्बन की अपने आप में एक तरह से बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो, क्योंकि उसे एच प्लस देना है तो माइनस चार्ज क्रिएट हो। अगर इस कार्बन पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा तो वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा, लेकिन इस कार्बन पे चार्ज होगा तो वो रेजोनेंस नहीं शो करेगा, तो यहाँ पर कार्बो एनायन इतना स्टेबल नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ कार्बो एनायन स्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ बनाया। ये वाला भी हट सकता है लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर एल्कीन आपकी कौन सी होगी? ये वाला हाइड्रोजन से रिप्लेस होने वाली, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास एल्कीन देखने को मिल रही है, मेजर एल्कीन। कुछ समझ में आया? इससे मिलती जुलती, यानी पायरोलिसिस से मिलती जुलती और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जिसके अंदर हीटिंग करो आपको एल्कीन मिलेगा। उसमें एक और एग्जांपल है कॉप रिएक्शंस। क्या होता है इसके अंदर? ये मेरे पास 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड है। क्या है? 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड, यानी एमीन तो है, ऑक्सीजन उससे जुड़ी हुई है, माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, तो एमीन ऑक्साइड्स हो गया। अब इसको गर्म करो, आपको वही एल्कीन मिलेगी एज ए प्रोडक्ट, और एक ऑक्सीम भी मिलेगा। तो आप क्या बोल रहे हो? रिएक्शन इन विच हीटिंग ऑफ 3 डिग्री एमीन ऑक्साइड एंड वी गेट एल्कीन एंड ऑक्सीम इज नॉन एज कॉप रिएक्शंस। क्या मैकेनिज्म होती है? सिमिलर मैकेनिज्म है। जब आप इसको गर्म कर रहे हैं, पहले तो ये मैंने एमीन ऑक्साइड बनाया, ये ऑक्सीजन माइनस जो होगा वो बीटा हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करेगा। अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सा होगा? क्या ये बीटा अल्फा कार्बन है? क्या ये बीटा कार्बन है? हाँ, तो ये बीटा कार्बन लेने की कोशिश करेगा और यहाँ पर आपके पास बीटा हाइड्रोजन लेगा और ये वाला बॉन्ड एक तरह से ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो कुल मिला के आपके पास जब ये लोन पेयर पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर ओ के साथ माइनस था, अब ये क्या हो जाएगा? ओ एच, और ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो चुका है तो एक एल्कीन भी आपको देखने को मिलेगी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि इसके अंदर बनने वाली एल्कीन हापमान एल्कीन होती है। नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया तो आपको यहाँ पर एक और आगे मिलेगा, यहाँ पर तो मिल रही है जो एल्कीन, वो आपको कौन सी मिल रही है? स्टेबल या लेस स्टेबल? लेस स्टेबल, तो इसको हम बोलते हैं हापमान एल्कीन। और अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो उसको क्या बोलते हैं? सेटजेफ एल्कीन, जो कि ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रखती, ज़्यादा स्टेबल होती। फिलहाल तो ये हमारे पास हापमान एल्कीन है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? दोनों ही रिएक्शन, एक तरफ आपने क्या पढ़ा है कॉप रिएक्शन, एक तरफ पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट्स। दोनों में ही आपने देखा है कि बीटा हाइड्रोजन को हटाओ और एल्कीन बनाओ। उस बीटा हाइड्रोजन को हटाओ जो जिससे जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, और नेगेटिव चार्ज वहां स्टेबल होगा जहां रेजोनेंस होगा या फिर उसके ऊपर प्लस आई इफेक्ट ना हो, कुल मिला के माइनस आई इफेक्ट हो चलेगा, माइनस आर हो चलेगा, प्लस आई प्लस आर ना हो। इन चीजों का ध्यान रखो। फाइनल प्रोडक्ट में आपको एल्कीन मिल रही है, जनरली एल्कीन आपको हापमान मिल रही है। बाकी मैकेनिज्म से करो, जो आंसर आएगा वो आपको करना है। तो करिए, इसको लिखिए।